धूप, गर्मी, ट्रैफिक जैम, जॉब, बॉस की चिक चिक, स्ट्रेस, हो गए हो ना परेशान? तो बैकपैक करो यार और आ जाओ ऋषिकेश उत्तराखंड में। ऑलराइट, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं, मेरा नाम है रौनक और स्वागत है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल शहर ऋषिकेश उत्तराखंड से। सो विद दिस ब्यूटीफुल व्यू करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं ऋषिकेश आने का, तो आज जो जगह मैं आपको ले जा रहा हूँ उस जगह को आप अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और अगर आप ऋषिकेश में इस जगह जाते हैं सो आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलने वाली है गर्मी से। सो हम आज जा रहे हैं नीर वाटरफॉल। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आप नीर वाटरफॉल पहुँच सकते हैं और वहाँ क्या रहने की व्यवस्था है। तो पूरी इस वीडियो को देखिएगा आखिर तक, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो ये रास्ता आपका आ रहा है ऊपर तपोवन से, ऋषिकेश से आप यहाँ से आते हैं और ये नेशनल हाईवे 58 है और ये सीधा जो जा रहा है वो आपका जाता है बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा आप जाते हैं तो इसी रोड से आप होते हुए जाते हैं। तो आपको जैसे नीर वाटरफॉल जाना होता है तो यहाँ ये ऊपर वाला रास्ता जाता है, तो जब भी आप आएँ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं और ये बोर्ड भी आपका लगा हुआ है तो प्रॉपर यहाँ पर आपको बताया गया है। तो दोस्तों, ऊपर नीर वाटरफॉल जाने के लिए आपको यहाँ इस काउंटर से अपना एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है, देख सकते हैं आप। इंडियन सिटीजन के लिए 30 रुपीज़ और छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके लिए 20 रुपीज़ रहता है और फॉरनर्स जो रहते हैं वो 50 रुपीज़ का यहाँ पर टिकट लेते हैं। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं नीर वाटरफॉल के स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ से ये छोटा सा एक ट्रैक स्टार्ट होता है और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये एरिया है कि पार्किंग एरिया रहता है जहाँ पे अपने व्हीकल्स को पार्क कर सकते हैं। यहाँ से हम अभी ऊपर चलेंगे, तो चलते हैं यहाँ से अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं और ऊपर आपको मैं दिखाऊँगा कि कितना सुंदर वाटरफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे। तो आज के इस ट्रैक में मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड आया है जिसका नाम है राहुल रमोला। सो राहुल, सुबह सुबह एक ट्रैक करने में कैसा लग रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ का नज़ारा इतना प्यारा है कि लोगों को आने का आनंद आएगा, इसलिए लोग इधर ज़रूर आए घूमने। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए बढ़ते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और सुबह सुबह इस जगह पे आना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि दिन के समय धूप भी काफ़ी रहती है और भीड़ भी ज़्यादा हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंगली चल सकते हैं और सुबह के समय आएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रैक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत चढ़ाई है तो आप इतना इजीली मैनेज कर लेंगे। बाकी सुबह का टाइम है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप दिन के समय आते हैं तो आपका हाल बेहाल हो सकता है। तो वाटर बॉटल्स जो भी आप कैरी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि रास्ते में ही आप लोग फेंक दें, साथ में उसको ले जाएँ, जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ पे आप उसको फेंकें।
तो ये रास्ता थोड़ा कच्चा रास्ता है जिसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है क्योंकि माउंटेन्स एरिया है और जंगलों के बीच से रास्ता जाता है। बीच बीच में ऐसे ही कुछ सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी देखने के लिए, तो इसमें चलना थोड़ा इजी हो जाता है। और लुक एट द एलिवेशन, ये कुछ इस ऊंचाई पे रहता है। हम तो काफ़ी बार यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। राहुल तेरा कौन सा मैं तीसरी बार आ चुका हूँ, मेरे को 2 साल हो गए हैं यहाँ आए हुए पहले, और करीबन मुझे भी 2 साल ही हो गए होंगे, काफ़ी टाइम से मैं भी नहीं आया हूँ। तो आज सोचा सुबह सुबह आप लोगों के लिए एक बार यहाँ आया जाए, जिससे कि आप अगर ऋषिकेश आ भी रहे हैं तो अपनी बकेट लिस्ट में नीर वाटरफॉल को भी इंक्लूड करें। रास्ते के बीच में चलते चलते अगर आप थकते भी हैं तो यहाँ पे कई जगह बेंचेस भी लगी हुई हैं, तो वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बैठने के बाद कुछ सामने आ रहे इन व्यूज़, इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। तो राहुल तो ऑलरेडी काफ़ी आनंद ले रहा है, तो आप भी लीजिए। तो सनराइज होने में थोड़ा ही टाइम बचा है और मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ से सनराइज का व्यू भी। और अभी चढ़ते चढ़ते काफ़ी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। पहले हमारी सुबह जो है इन्हीं चिड़ियों की आवाज़ से होती थी पहले, मतलब अलग ही होता था, और अब थोड़ा बहुत वो कम हो गया है, इतनी चिड़ियाएँ दिखती नहीं हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है ना, तब से चिड़ियाएँ अब थोड़ा बहुत दिखने लगी है, क्योंकि थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम हुआ होगा तो इस वजह से। सो फाइनली हम नीर वाटरफॉल जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, अभी हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो आपको भी एक बार इस व्यू को मैं दिखाना चाहूँगा। और ये है हमारा नीर वाटरफॉल जो कि बहुत ही ऊपर से आ रहा है पानी, तो ये नेचुरल सोर्स है जो कि पहाड़ों की खासियत है। यहाँ से अधिकतर आपको ऐसे पहाड़ों में झरने देखने को मिलते रहेंगे। चल डुबकी मार ले, मतलब मन तो कर रहा है पानी में ही कूद जाएं। और पानी देखो कितना क्लियर है। सो अब इससे पहले जब भी हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा लास्ट पॉइंट हमेशा से यही रहा है, हम यहीं पे आके एक तरीके से नहाते थे इस वाटरफॉल में। तो जैसे राहुल कह रहा है कि ऊपर एक और एक अच्छी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, तो चलिए एक बार उसको भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसे व्यूज आते हैं और आप लोगों के लिए वहाँ क्या क्या रहता है। सुबह आ गया है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा, और सुबह उठ के ऐसी एक वॉक मिल जाए तो पूरी बॉडी एक तरीके से स्ट्रेच हो जाती है, खुल जाती है और काफ़ी अच्छा फील होता है। तो यहाँ के लोगों को वैसे आदत होती है, तो हम लोगों की तो थोड़ा बहुत चलने में ही सांस फूल जाती है, बट यहाँ के लोग इतना सारा बैग वैग लेके और आराम से चढ़ जाते हैं, उनको आदत है। बट पहाड़ी लाइफस्टाइल इतनी आसान है नहीं जितनी दिखती है। तो ये पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे कैंप्स हैं, और अब ऐसी लोकेशन में आ रहे हैं तो कैंप्स में रहने का मज़ा कुछ अलग होता है। अदरवाइज़ जहाँ भी आप जिस भी सिटी में हैं वहाँ पे भी रूम्स में रह रहे हैं, फिर ऐसी जगह आके भी आप होटल के रूम्स में रहेंगे, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी। बट अगर आप इन जगहों में आके ऐसे कुछ कैंप्स में रहेंगे तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। Sometimes I feel real low. Oh no.
अभी हम नीर हिमालयन ट्रैक पे आए हुए हैं, तो ये नीर वाटरफॉल से ही थोड़ा सा ऊपर आने पे ही आपको मिलेगा। तो चलिए एक बार मैं आपको इस पूरे कैंप का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के जो कैंप में ओनर है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंह है। अच्छा, सो सुनील भैया, आपका ये कैंप, इसका नाम नीर हिमालयन ट्रैक है। नीर हिमालयन ट्रैक है, तो कितने कैंप्स आपके यहाँ पे रहते हैं? हमारे पास 10। सो क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं? हमारे यहाँ पे अगर कोई गेस्ट आता है तो हमारे 1000 रुपीज़ करता है। अच्छा, 1000 रुपीज़, ये जो छोटे वाले कैंप्स हैं? नहीं नहीं, सबके सबके 1000 रुपीज़। और भैया खाने में आपका क्या मेन्यू रहता है? हमारा वेज रहता है, सब वेज रहता है। नॉन वेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता? नॉन वेज प्रोवाइड। अच्छा, क्योंकि उसमें हम डिनर, ब्रेकफास्ट, म्यूजिक एंड बॉनफायर देते हैं। ओके, सो ये पूरा जो आपका 1000 रुपीज़ का पैकेज रहता है, पैकेज एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से। अगर आप स्टे करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे अंदर कंफर्ट आपको मिलेगा। तो आइए एक बार देखें यहाँ पे अंदर। दो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, 3-man tent रहता है ये, तो अच्छा है। मैट्रेस भी ठीक है, मतलब जिस हिसाब से आपको यहाँ पे स्टे करना है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बट मैट्रेस अच्छी है, कम्फर्टेबल है। और रात को ठंडा है तो यहाँ पे आपके लिए ब्लैंकेट्स वगैरह भी रहेंगे, पिलो भी आपका रहता है। और यहाँ पे एक छोटा सा लाइट भी आपको रात को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि रात को बाहर जाना हो आपको तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सनराइज़ भी देखो हो चुका है, सुबह सुबह की धूप मुंह पे पड़ती है, काफ़ी अच्छा लगता है और एक अलग ही वाइब्स यहाँ पे आपको मिलेगी देखने को। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी यहाँ के लिए। ऐसे ही काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।